हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, हमारे सब्सक्राइबर लोगों के लिए। और जो घर पे अंडे फोड़ने चाहते हैं, घर पे अपना चूजा निकालना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त सेटअप जो कि हमारा प्रैक्टिकल है। और हम आपको दिखा देते हैं कि इस पे क्या क्या चीज़ है, कैसा कैसा है। और हमारा ये कंप्लीट है, हम आपको चालू करके भी दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में हम पूरा समझाएंगे आपको। आज देखिए, ये आप ऑटोमेटिक कंट्रोलर है ये, जो कि कंट्रोल करेगा और ऑटो कट हो जाएगा ज़्यादा बढ़ने के बाद, कम होने के बाद ऑटोमेटिक। और ये रेगुलेटर भी लगा है एक बल्ब में, जैसे कम करने से कम हो जाता है, ज़्यादा करने से ज़्यादा हो जाता है। और ये टाइमर है, ये टाइमर से क्या होगा, इस टाइमर से अपना ये जो ट्रे है, ट्रे घूमेगा ऑटो हर 2 घंटे में एक बार, है ना। और ये अपने फ़ैन के लिए दिया हुआ है, प्लस इसको भी चलाने के लिए दिया हुआ है। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। ओके, ये देखिए, हम अभी आपको आपको ट्रे घूमना दिखाते हैं। ये हम इसको ऑन कर देते हैं, अभी ऑन पे है, वो डेमो के लिए है। ये देखिए, ये हमारा इंक्यूबेटर है। ये देखिए, ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है। और अंदर आ जाते हैं, एक बल्ब इसमें बहुत धीरे चल रहा है, उसको अपन चाहें तो बढ़ा सकते हैं, चाहें तो घटा सकते हैं अपने हिसाब से। एक फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है। फ़ैन की वायरिंग के ऊपर में अपन टेप मार दिए हैं और जस्ट बैक पोर्शन में लगा दिए हैं। और ये अपना पूरा ट्रे है, 1 2 3 4, 4 ट्रे का खाना है। इसके आगे का भी आपको मिल जाएगा छेदा, वहाँ पर 2 छेदा है, 1 छेदा 2 छेदा। और ये अपना ये मोटर इस्तेमाल हुआ है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, देखिए कैसे घुमा रहा है मोटर। ओके, और ये अपना थर्मोसेट का कंट्रोलर है, जो कि इसको कंट्रोल करता है और कितनी गर्मी है इसमें। ये फैन को थोड़ा सा चढ़ा दिया अपन, एक ग्लास लगा दिया, और अब ये गर्म हो जाएगा पूरा। ये देखिए, अभी इसको रेगुलेटर को बढ़ा देते हैं, कैसे वाली लाइट बढ़ जाएगी, देखिए बढ़ गया वाला लाइट। ओके, आइए फिर थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन को ये खास ध्यान रखना है कि इंक्यूबेटर के अंदर में कोई भी डस्ट या कोई भी गंदगी ना रह सके। उसके लिए सबसे पहले अपन इसको पानी से साफ़ करेंगे, जैसे कि हमने पानी और ब्रश से साफ किया है। उसके बाद एक कपड़ा लिया है, कपड़े से पोंछा है इसको बहुत अच्छे से, और एक स्प्रे बोतल लिया है। इस स्प्रे बोतल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, हमारे डॉग का स्प्रे बोतल है, वो कुछ टिक्स वगैरह के लिए आता है, बहुत ही अच्छा है, फ्रीडम नाम है इसका, है ना। अगर आपके भी डॉग डॉग लवर हैं अगर, तो फ्रीडम ले सकते हैं आप। 360 रुपये का प्रिंट है, बट ये 100 रुपये लेस में आपको मिल जाएगा। और ये बोतल उसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इतना पानी और थोड़ा सा सेवलॉन लिए हैं, और ये ऐसे छिड़क रहे हैं सब में। फिर एक बार इसको पोंछ देंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने इसको जमा दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसके ऊपर हम ट्रे रखेंगे। हम बीच में पुश कर दिए थे वीडियो को, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई देखना था। और अब इसको हम चालू करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये एनएस पोर्टल है, एनएस बोतल साफ सफाई के लिए लगेगा आपको। लाइट बुझ चुकी है, एक लाइट बुझ चुकी है, और वो जो दूसरी लाइट जल रही है वो हमारे रेगुलेटर से कंट्रोल होता है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे बंद हो रहा है ये और ये चालू हो रहा है। तो इसको अपन थोड़ा सा रखेंगे, जिससे कि मुर्गियों को अंधेरा ना लगे और हमारे इंक्यूबेटर का रूम भी जो है गर्म रहे, वो तो उतना चलेगा। अब ये धीरे 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 ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, देखिए कैसे बढ़ेगा ये।
ये देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सब सही सही काम कर रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और एक पानी का ट्रे लगेगा उसके अंदर में, और अब अपन इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं थोड़ा सा अंडा डालने से पहले। ये कड़कनाथ का अंडा है, ये बदक का है, ये टर्की का है, ठीक है। ये कड़कनाथ का है ये वाला लाइन, ये बदक का है ये वाला लाइन, और ये बड़े बड़े जो अंडे हैं ये टर्की के अंडे हैं। अगर अंडे किसी को लगते तो मेरे को बिल्कुल बताना, है ना। और अपन क्या करेंगे, ये एनएस थोड़ा पानी, हल्का पानी, पानी का नहीं, नाम एकदम कम रहेगा, एनएस थोड़ा पानी, और ये अपन सेवलॉन, इससे साफ़ करने के बाद इसको अपन कपड़े पे ले लेंगे, सैनिटाइज़र को ये, और उसके बाद इससे पहले इसको स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे रगड़ देंगे, जो कि नहीं हो पाएगा अकेले में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्त, जैसे कि हमने ये पानी का ट्रे लगा दिया है और ये बल्ब जला दिया है, अब उस बल्ब की रोशनी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और पानी रिसने ना पाए बोल करके इस कपड़े को लगाए हैं हमने। दोनों फैन चालू है, और ये अंडे भी सज गए हैं। देखिए ऊपर अंडे कुछ कम पड़ गए, ये 12 दिन से ज़्यादा अंडे थे, इसलिए उसको निकालने पड़े अपन को। और ये हम इसको परमानेंट अभी लॉक कर देते हैं। ये देखिए ये परमानेंट लॉक हो गया। बस अब ये ऑटो टर्न जब होगा तब होगा। अभी एक बार इसको ऑटो टर्न दे देते हैं, क्योंकि चेक भी तो करना है, उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है, क्या हो रहा है। ये देखिए देखिए कितनी खूबसूरती से उसको उठा के फिर इधर रख रहा है। बाकी का अपडेट और सारी जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, आपको ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।